जिला कांगड़ा में बच्चों को लगने वाले आवश्यक टीकों के लिए स्वास्थ्य विभाग टीकाकरण कार्यक्रमों का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रहा है ताकि कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित न रहे। सीएमओ कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त समय पर टीकाकरण बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ठीक समय पर टीकाकरण न होने के कारण बच्चों की ग्रोथ पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग और बच्चों के अभिभावक सही समय पर बच्चों को लगने वाले सभी टीकों का विशेष ध्यान रखें। जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत जो छोटे बच्चों को जो है अलग अलग बीमारियों का टीकाकरण किया जाता है, जिसमें पोलियो के खात्मे के लिए भी जो है ओरल पोलियो वैक्सीन भी दी जाती है, साथ में इनएक्टिवेटेड इंजेक्टेबल वैक्सीन भी दी जाती है। भारत सरकार ने एक निर्णय लिया है कि अगर भारत को, हालांकि बड़े सालों से हमारे पास पोलियो का कोई वाइल्ड पोलियो का केस नहीं हुआ है, तो एज ए एंड गेम स्ट्रेटजी पहली जनवरी ऑनवर्ड्स 9 माह के बच्चे को एक इनएक्टिवेटेड इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन रूटीन इम्यूनाइजेशन के अलावा दी जाएगी। इसका शुरुआत जो है वो 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। जो छोटे बच्चों को जो इंजेक्शन लगते हैं इम्यूनाइजेशन में, हमारे जिला की कवरेज लगभग 95% के आसपास है और हमारा प्रयास रहता है कि हम अलग 100% बच्चों को वैक्सीनेट कर पाए। कल की जो डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स फॉर इम्यूनाइजेशन की जो मीटिंग थी, जो माननीय अतिरिक्त उपायुक्त महोदय के चेयरमैनशिप में हुई, उसमें हमने अपने जो सिस्टर डिपार्टमेंट्स हैं ICDS, एजुकेशन, NGOs, उनको भी इन्वॉल्व करके हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में लगभग हम सारे जिला में 100% बच्चों को इम्यूनाइजेशन की कवरेज दे पाए। इम्यूनाइजेशन जो है बच्चों को सुरक्षित भविष्य के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट टूल है और लोगों से भी, पेरेंट्स से भी ये हमारा अनुरोध रहेगा कि स्वेच्छा से जो है वो अपने बच्चों को लाएं और उनका भविष्य सुरक्षित करें। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट।